गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के एक सेशन में। आज फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी और आज आप हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में, और उनसे रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार काम करते रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रारंभ ऑपरेशन वनीला का संबंध किससे है? जी हाँ, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो इसका संबंध है राहत अभियान से। जी हाँ, राहत अभियान के लिए चलाया गया यह एक ऑपरेशन है। इसमें INS रावत को, जो कि नौसैनिक जहाज है, इसको चक्रवात प्रभावित मेडागास्कर में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेडागास्कर में आपका चक्रवात आया, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, तो भारतीय नौसेना ने अपनी तरफ से राहत देने की पूरी कोशिश की। इन जहाज़ों के द्वारा दवाइयों के साथ साथ खाद्य पदार्थ, कपड़े और भी जो भी राहत का सामान है वो सभी पहुंचाया जा रहा है भारत की तरफ से। तो कौन सा जहाज गया है? INS ऐरावत, नौसैनिक जहाज है INS ऐरावत, जो कि मेडागास्कर के लिए गया। वर्तमान में आपके नेवी चीफ कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह आपके नेवी चीफ हैं। और आपके एयरफोर्स कौन है? एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया हैं। और आपके आर्मी चीफ कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द कौन बना है? जी हाँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी शब्द का 2019 का कौन सा ऐसा शब्द है जिसको शामिल कर लिया गया है पूरे साल में, ऐसा शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर बना है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के लिए? तो ये शब्द है आपका संविधान, ऑप्शन सी आपका संविधान। यानी कि अगर अंग्रेजी के शब्द की इसकी बात करें, मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। और आप सभी जानते हैं संविधान के बारे में, कोई ज़्यादा बताने की बात है नहीं कि आखिरकार संविधान में क्या होता है। आपका संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका प्रत्येक वर्ष आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और आंशिक तौर पर इसको स्वीकार कर लिया गया था। पूरी तरह कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिसकी याद में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो भी कुछ दिन पहले आपका मनाया गया। तो आंशिक तौर पर आपका जो स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949, और पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया। संविधान को आपको बनाने में कितने दिन लगे पूरे भारतीय संविधान को? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द कौन बना है? संविधान 2019 के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ये शब्द है, या फिर यूँ कहें कि यही डिक्शनरी केवल वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है। अलग अलग डिक्शनरीज हैं या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपना हिंदी शब्द निकालती हैं। तो ये है ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए विदेश सचिव, यहाँ पर विदेश छूट गया, यहाँ पर विदेश होना चाहिए, यहाँ पर नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सचिव, विदेश सचिव के रूप में हर्षवर्धन सिंगला जी को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इनका जो कार्यकाल होगा वो पूरे 2 वर्ष का होगा, और ये विजय गोखले जी का स्थान लेंगे। किसका? विजय गोखले जी का स्थान लेंगे। अभी जो आपका कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में एक वार्ता हुई थी ह्यूस्टन में, अमेरिका ह्यूस्टन में इसका आयोजन किया गया था, और उस कार्यक्रम को नाम दिया गया था हाउडी मोदी कार्यक्रम। क्या? हाउडी मोदी कार्यक्रम, इसका कार्यक्रम का नाम दिया गया। तो इन्होंने इसकी सफल मेजबानी की थी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कहकर कि वर्तमान में आपके विदेश मंत्री कौन है, फॉरेन मिनिस्टर आपके वर्तमान में कौन है? अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में रामसर सम्मेलन, जी हाँ,
रामसन सम्मेलन द्वारा भारत के और कितने स्थलों को आर्द्र भूमि स्थल यानी कि वेट लैंड घोषित किया गया है। तो और कितने स्थल, अभी तक 27 थे, अब इनको मिला करके टोटल हो गए हैं 37, 37 हो गए, यानी कि 10 स्थलों को और चुना गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छा, अब ये है क्या रामसर सम्मेलन, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो ये रामसर सम्मेलन आपका ईरान में एक जगह है, रामसर, ईरान में आपकी एक जगह है रामसर। यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। तो ये सम्मेलन पहली बार यहीं पर हुआ, तो इसी के जगह के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, क्या, रामसर सम्मेलन, 1971 में पहली बार हुआ था। अच्छा, ये क्या है, ये जो आपकी आर्द्र भूमि होती है, जैसे कि दलदल युक्त भूमि है, अगर ये पर्यावरण दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, यूज हम इसको कर सकते हैं, तो इसको चुन लिया जाता है, इसको घोषित कर दिया जाता है वेटलैंड यहाँ पर। फिर बाकी क्योंकि यहाँ पर अब कोई अतिक्रमण ना कर सके, इसको नुकसान ना पहुँचा सके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस जगह को सेफ कर दिया जाता है और उसको सुरक्षित रखा जाता है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए रामसर सम्मेलन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1971 कहाँ पर, ईरान में, और अब भारत में कितने हो गए टोटल, 37 हो गए, और अभी हाल ही में 10 जगहों को इसमें और शामिल कर लिया गया है। तो याद रखें इन सभी पॉइंट्स को। पांचवा है, हाल ही में खालिद बिन खलीफा अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। जी हाँ, नाम थोड़ा काफी लंबा है, खालिद बिन खलीफा अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। तो यह देश है आपका कतर, ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही होगा, कतर का इनका प्रधानमंत्री चुना गया है। अच्छा, कतर की यहाँ पर बात आती है तो आपको तुरंत से दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2022 का जो फीफा होगा, 2022 का फीफा फीफा होगा जो, वो आपका कतर में ये आयोजित किया जाएगा। और कौन सा एडिशन होगा, 2022 में आयोजित किया जाएगा, तो ये 22वां एडिशन होगा फीफा का। जी हाँ, कौन सा एडिशन होगा, 22वां, 2022 में, तो 22वां एडिशन होगा आपका ये फीफा का। याद रखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी एग्जाम के लिए। हाल ही में तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू जी को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। इससे पहले यानी कि ये बात करें कि इससे पहले ये किस जगह पर थे, तो ये इससे पहले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त थे। कहाँ पर, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर तैनात है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि उच्चायुक्त और राजदूत, सॉरी, राजदूत में कुछ अंतर होता है क्या, नहीं, ये अलग अलग देशों की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, वर्ड यूज करने का तरीका है। तो अगर यही नियुक्ति अमेरिका में होती है तो राजदूत कहा जाएगा, और अगर यही नियुक्ति श्रीलंका में होती है तो इनको उच्चायुक्त कहा जाएगा। बाकी दोनों पोस्ट एक ही हैं। तो श्रीलंका में अभी तक नियुक्त थे, अब ये अमेरिका में भारत के राजदूत बनेंगे। ये किसका स्थान लेंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर्षवर्धन श्रृंगला को क्या बनाया गया है, नया विदेश सचिव बना लिया गया। तो अब उनको नया विदेश सचिव बना दिया गया है, तो अब तरनजीत सिंह संधू जी उनका स्थान लेंगे, अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में दो इंपॉर्टेंट मुख्यालय हेडक्वार्टर्स हैं आपके, किसके, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के। इनको IMF एंड वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत ही इनका निर्माण हुआ था, इनका गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विमोचित पुस्तक रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का संबंध किस व्यक्ति से है। तो इस बुक पुस्तक का संबंध यशवंत सिन्हा से। जी हाँ, राजनेता या राजनयिक, या ये कह सकते हैं पॉलिटिशियन, यशवंत सिन्हा से इनका इस बुक का संबंध है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इस पुस्तक का विमोचन यानी कि इसका उद्घाटन, इसको किसके द्वारा विमोचित किया गया, प्रणब मुखर्जी द्वारा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। जो आपके यशवंत सिन्हा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया। जी हाँ, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या है, सुनीता चंद्रा इनका नाम है। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। ये, अच्छा, इन्होंने कब से कब तक हॉकी खेली, तो ये उन्होंने 1956 से लेकर के 1966 तक हॉकी खेली, जिसमें से कि 63 से लेकर 66 तक ये भारतीय टीम की कप्तान
कप्तान रहीं। वर्तमान में अगर बात की जाए कौन है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, तो रानी रामपाल है, जो आपका ऑप्शन बी लिखा हुआ है। और वर्तमान में कोच कौन है भारतीय महिला हॉकी टीम के, तो सुआड मारीज ने है। कौन है, इसको थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी ऐसे लिखी जाती है, SJOERD, सुआड मारीज ने, MARIJNE, ये हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच। अगर पुरुष की बात की जाए कि पुरुष भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, तो ये हैं ग्राहम रीड हैं। ये सभी पॉइंट्स याद रखें, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी के लिए। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित कर दिया है? जी हाँ, इस राज्य ने अपने यहाँ की जो विधान परिषद है, जो कि उच्च सदन होता है राज्य की विधायिका का, उसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया बैंक्स एसोसिएशन, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के CEO यानी कि का कार्यभार किसने संभाला है? तो CEO का कार्यभार आपका सुनील मेहता जी ने संभाला है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये किसका स्थान लेंगे, ये VG कन्नन का स्थान लेंगे। किसका, VG कन्नन का ये स्थान लेंगे, इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के CEO का कारोबार संभाला है। जो आपका ऑप्शन ए है वो रजनीश कुमार, रजनीश कुमार SBI के प्रमुख हैं, SBI के चेयरमैन हैं। आपके शक्तिकांत दास क्या हैं, ये आपके RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। और संदीप बख्शी क्या हैं, ये ICICI बैंक के वर्तमान में CEO हैं। तो ये सभी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। जो आपका IBA है यानी कि इंडिया बैंक्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 26 सितंबर 1946 को। कब की गई थी, 26 सितंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आप ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है, तो कौन सा बना है आपका, पश्चिम बंगाल। इसने किसको पीछे छोड़ा है, उत्तर प्रदेश को इसने पीछे छोड़ दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर फलों की बात की जाए कि फल के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर वन पर है, तो आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम या फिर महाराष्ट्र? इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी बात पर कोई भी चीज़ का डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर से करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।